हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलो। यानी कि आपको एपी की 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है अगर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी गिवन हो तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में ए आपको गिवन है 10, डी आपको गिवन है 10। हमें पता है एपी की फॉर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी एंड सो ऑन। तो हम निकाल लेते हैं A1, that is 10 आपको गिवन है, A2 यानी कि A plus D, 10 plus 10 यानी कि 20। Now A3 होता है A plus 2D, A की वैल्यू 10 plus 2 multiply D की वैल्यू 10, 10 plus 20 equal to 30। A4 means A plus 3D. This implies A की place पे 10 plus 3 multiply D की place पे 10. 10 plus 30 equal to 40. 4 term of the AP is 10 given था, उसे तो A1, then A2 की value, then A3 की value, then A4 की value and so on. इसी तरीके से आगे की वैल्यू सारी निकल जाएगी। तो आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी थी, तो 1 2 3 4 हमने फर्स्ट 4 टर्म निकाली, तो उसके आगे की भी इसी तरीके से निकली। ठीक है बच्चों, अब करते हैं इसका 2nd पार्ट। नाउ बच्चों, 2nd पार्ट में आपको a गिवन है -2 एंड d गिवन है 0। तो सेम आपको पता है सॉल्यूशन में क्या करेंगे। हमें पता है एपी की टर्म क्या होती है A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on। सबसे पहले A1 यानी कि आपको -2 गिवन है। A2 का फॉर्मूला है A plus D यानी कि -2 प्लस 0, यह आ गया आपका -2। नाउ A3 जो होगा वो होगा A plus 2D। A की वैल्यू आपकी -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0, -2 प्लस 0 -2। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D यानी कि -2 प्लस 3 इंटू 0, -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज गिवन। तो अब आपके पास एपी की क्या फॉर्म आई, 4 टर्म्स ऑफ द एपी इक्वल टू -2, -2, -2, -2 सो ऑन। तो ये निकली आपकी 4 टर्म ऑफ एपी। तो बच्चों, अब करते हैं इसका 3rd पार्ट। नाउ 3rd पार्ट में ए है आपका 4 एंड डी है आपका -3। सेम कैसे करेंगे, एपी की फॉर्म A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D सो ऑन। नाउ A1 आ गया आपके पास 4, A2 मीन्स A प्लस D, तो A है आपका 4, D है आपका -3। आंसर आया ±-3 1। नाउ A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3, 4 प्लस -3 2 जा 6 -2, क्योंकि 4 में से 6 माइनस कर नहीं सकते, 6 में से 4 गया 2, बड़ी डिजिट का साइन। नाउ A4 इक्वल टू A प्लस 3D यानी कि A की प्लेस पे 4 प्लस 3, डी की प्लेस में -3, 4 प्लस -3 3 जा 9, 9 में से 4 5, बड़ी डिजिट का साइन। तो द 4 टर्म ऑफ तो AP इज इक्वल टू 4, जो A ऑलरेडी गिवन है, A2 इज 1, देन माइनस 2, देन माइनस 5, सो ऑन। आप इनका डिफरेंस भी चेक करना चाहें तो भी आपको सेम ही मिलेगा। 1 में से 4 गया, माइनस 3, माइनस 2 में से माइनस 1, माइनस 3, माइनस 5 में से 2, माइनस 3, तो वो सेम ही आ जाएगा। तो ये बनी आपकी एपी की टर्म। अब करते हैं बच्चों इसका फोर्थ पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट में ए गिवन है माइनस 1 एंड डी गिवन है 1/2, तो सॉल्यूशन क्या होगा? एपी की टर्म आपको पता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, सो ऑन। तो अब इसमें देखिए, A1 मीन्स A होता है तो -1, A2 आपका A प्लस D, दिस इम्प्लाइज -1 प्लस 1/2, ब्रैकेट की नीड है नहीं तो 1/2, एलसीएम लिया 2 से यहाँ करेंगे 1 में 2 कब आता है 2 पे, यहाँ भी 2, -2 प्लस 1, 2 में से 1, 1/2, वो भी साइन माइनस का। नाउ A3 ये होगा A प्लस 2D, तो दिस इम्प्लाइज A की वैल्यू -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ A4 इक्वल टू A प्लस 3D, दिस इम्प्लाइज A की वैल्यू -1, 3 इंटू 1/2, हेयर इज -1 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया, इसे मैं यहीं लिख लेती हूँ दोबारा, -1 प्लस 3/2, तो हमने लिया एलसीएम 2, 1 में 2 कब आएगा 2 पे, यहाँ भी 2, -2 प्लस 3, 3 में से 2, 1/2। तो नाउ 4 टर्म ऑफ एपी इज, 4 टर्म्स इन एपी इज, सबसे पहले -1, देन A2 इज -1/2, आफ्टर दैट 0, देन 1/2 एंड सो ऑन। तो ये आपकी एपी की टर्म आ गई। तो बच्चों अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि है फिफ्थ पार्ट। नाउ बच्चों फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में ए गिवन है -1.25 एंड डी गिवन है -0.25, तो वही एपी की टर्म आपको याद भी हो गई होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, सो ऑन। नाउ अब देखिए, A1 इज इक्वल टू ए, यानी कि ये वैल्यू है, A2 का मतलब होता है A प्लस डी, दिस इंप्लाइज A की वैल्यू -1.25 प्लस -0.25, तो -1.25 प्लस -0.25, माइनस माइनस प्लस, इन्हें प्लस करेंगे, 5 और 5 10, 2 और 2 5.1, तो आपके पास आ गया -1.50। नाउ A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A की वैल्यू है -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई -0.25, -1.25 प्लस -0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 × 4 5, 2 × 0 0, नाउ माइनस माइनस प्लस, 5 और 0 5, 5 और 2 7, 1 और 0 1, डेसिमल बट डिजिट का साइन। नाउ A4 इक्वल टू A प्लस 3D, A की वैल्यू -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 0.25, -1.25 यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3 × 6 7, 3 × 0 0, नाउ माइनस माइनस प्लस, 5 और 5 10, 7 8 9 10 एंड डेसिमल 2 साइन बड़ी डिजिट। नाउ 4 टर्म ऑफ एपी इज, 4 टर्म्स ऑफ द एपी इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म तो ए है -1.25, नेक्स्ट -1.50, नेक्स्ट -1.75 एंड -2.0 एंड सो ऑन। तो ये आ गई आपके पास एपी की टर्म। हर किसी में 25, 25, मतलब 0.25 का डिफरेंस है, यानी कि ये बनी एक ये एपी की प्रॉपर टर्म। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट किया। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।